बैकुंठपुर खेत में लाश मिलने से गांव में सनसनी। बैकुंठपुर कोरिया जिला के बैकुंठपुर मुख्यालय के ग्राम सलवा में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृत व्यक्ति मुख्यालय के ग्राम मां नसुख का रहने वाला है, जिसका नाम रमा लोहार है। व्यक्ति की लाश पास के ही खेत में पड़ी मिली। राहगीरों के मुताबिक व्यक्ति की लाश जिस अवस्था में थी, लोगों ने सोचा कि कोई व्यक्ति शायद सो रहा है, मगर जब वह यों का त्यों पड़ा रहा, तब गांव के एक व्यक्ति ने पास जाकर देखा तो बात कुछ और निकला। उसे मृत पाया गया, जिसकी सूचना उसने आसपास के लोगों व सलवा सरपंच को दी। सरपंच ने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी बैकुंठपुर को दी, परंतु दो घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। काफी समय के बाद पुलिस आई और लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन के अनुसार शाम को घूमने निकला था। मृत व्यक्ति का नाम रमा लोहार, जो कि ग्राम मनसुख का रहने वाला है। CNI न्यूज बैकुंठपुर से उग्रसेन पाल की रिपोर्ट। कोरिया के बी पटेल नर्सिंग कॉलेज व बीएड कॉलेज ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। अपोलो कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जैन ने किया ध्वजारोहण। कॉलेज की छात्राओं ने इस अवसर पर बनाए वंदे मातरम की विशाल मानव श्रृंखला। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ संपन्न। KB पटेल नर्सिंग कॉलेज एवं बीएड कॉलेज में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपोलो कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जैन ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने वंदे मातरम की विशाल श्रृंखला बनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसमें देशभक्ति गीत के साथ लोकगीत व विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति की झलक दिखी। गीत के साथ ही आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति भी छात्राओं ने दी, जिसे दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में KB पटेल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी विश्वजीत बारीक, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य इनोकिंडा बुश, बीएड कॉलेज के प्राचार्य सुजीत कुमार तथा कॉलेज के स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। CNI न्यूज कोरिया से उग्रसेन पाल की रिपोर्ट। चिरमिरी में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में सम्मानित हुए चिरमिरी थाना प्रभारी विनीत दुबे सहित कई पुलिसकर्मी। गणतंत्र दिवस की संध्या में चिरमिरी के युवा विकास मा एवं कोरिया महिला गृह उद्योग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित देशभक्ति गीत संगीत एवं नृत्य पर आधारित कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम छोटा बाजार के पुराने गांधी ग्राउंड में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के श्रम खेल व युवा मंत्री भैयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव चंपा देवी पावले, पूर्व मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, कलेक्टर कोरिया नरेंद्र डगा, SP कोरिया विवेक शुक्ल, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय जायसवाल, भाजपा युवा मोर्चा के कोरिया जिला अध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा झुगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रेमकांत झा, नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष शयाजुद्दीन सिद्दीकी तथा कार्यक्रम के संरक्षक मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। देशभक्ति गीत संगीत से सराबोर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंडियन आइडियल फेम दिल्ली के जीशान व बिलासपुर की कलाकार किरण अग्रवाल ने अपनी सुरों की छटा बिखेरी। वहीं सरगुजा के फेमस कलाकार संजय सुरीला ने भी अपने गीतों से अलग समा बांधा। देशभक्ति गीत संगीत के बीच बिलासपुर से आए हास्य कलाकार एहसान कुरैशी जूनियर ने अपने लतीफों से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। CNI न्यूज चिरमिरी से उग्रसेन पाल की रिपोर्ट। राजनांदगांव खुज्जी विधानसभा के ग्राम चांदो पहुंची श्रीमती ऋचा जोगी। रामायण प्रतियोगिता के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता के विकास के लिए बनाई गई है जोगी कांग्रेस की नई पार्टी ऋचा चांदो। 27 जनवरी 2018 आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जय सुप्रीमो माननीय अजीत जोगी जी की पुत्रवधु श्रीमती ऋचा जोगी जी खुज्जी विधानसभा के ग्राम चांदो में रामायण प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सरदार श्री जर्नैल सिंह भाटिया जी ने की। श्रीमती जोगी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कपटी वैष्णव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत ग्रामीणों और आयोजक समिति के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष श्री भाटिया जी ने कार्यक्रम स्थल में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रामायण सुनने और पाठ करने से अंतर आत्मा शुद्ध और प्रसन्न रहती है और अपने जीवन में इनके आदर्शों का अनुकरण करने पर जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमती ऋचा जोगी जी ने अपने संबोधन में जनता से कहा कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के विकास को ध्यान में रखकर माननीय श्री अजीत जोगी जी द्वारा जनता कांग्रेस नई पार्टी का निर्माण किया गया है, जिसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों, असहायों और सभी वर्गों का विकास निश्चित रूप से होगा। श्रीमती जोग ने सुप्रीमो श्री जोगी जी के शपथ पत्र में अंकित बातों का उल्लेख भी जनता के समक्ष रखा। इस दौरान प्रमुख रूप से श्री कुतुबुद्दीन सोलंकी, जिला महामंत्री विष्णु लोधी, सरपंच चांदो श्रीमती सविता साहू, प्रदेश सचिव महिला गायत्री से, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग महिला जमुना साहू, जिला महामंत्री श्रीमती तारा साहू,
जिला सचिव योगेश वर्मा, थेलकादी ब्लॉक अध्यक्ष कुलेश्वर वर्मा, अंबागढ़ चौकी ब्लॉक अध्यक्ष विरंजय चौहान, डोंगरगांव कार्यालय प्रभारी नियाजुद्दीन सोलंकी, प्रदेश सचिव युवा जॉन्टी सिंह, शैलेंद्र गुप्ता, शेख रिजवान, पिंटू यादव, अजय पटेल, मानिक लाल साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। CNI न्यूज राजनांदगांव से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट।